जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं, जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है। भूमि के आधार पर तो बना नहीं, धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना। आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं वो। तो ये उनको शिक्षा लेनी चाहिए ना। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदू तो नहीं कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है, वहीं के निवासी कर रहे हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो हम लोगों को भी अपनी संस्कृति और संस्कार, हमारे देश के तो ये न संस्कार है न ये संस्कृति है, मानवता की रक्षा के लिए, तो मानव धर्म तो यही है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो मानव धर्म को तो मानते हो, तो मानव धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा, वो भी धर्म से ही होगा। आपका जो धर्म है, तो जो मारकाट कर रहे हैं और जिनकी मारकाट कर रहे हैं दोनों ही धर्मावलंबी हैं, तो क्या उनके धर्म में ऐसा आदेश दिया गया है? संबंध में आज शिवानंद आश्रम में हम लोगों ने बैठक बुलाई हुई है और सभी गुजरात के साधु संतों से जो नहीं आ पाएंगे उनके साथ मोबाइल से बात करके सलाह करके फिर कोई वक्तव्य जारी करेंगे। स्थिति भयावह है और आप देखिए कि क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं। जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, हमें नहीं जानकारी थी कि आप लोग आएंगे, तो अभी हम बात नहीं कर पाए हैं, एक दो जगह बात हुई है, सब लोग सलाह करके और फिर आपको सूचना देते हैं। आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से बहुत सारे हिंदू को इंडिया में लाया जा रहा है, तो बांग्लादेश के जो हिंदू है उनको इंडिया में जगह दी जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है, तो शासन को निर्णय लेना है, सरकार को निर्णय लेना है। जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं, धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना। तो आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं वो। तो ये उनको शिक्षा लेनी चाहिए ना। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदू तो नहीं कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है, वहीं के निवासी कर रहे हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो हम लोगों को भी अपनी संस्कृति और संस्कार, हमारे देश के तो ये न संस्कार है न ये संस्कृति है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी का भी वध नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति पैदा की है और हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें तो इस पर विचार करना ही चाहिए। भारत सरकार इस पर जरूर कोई निर्णय ले रहे होंगे, लोग भी चर्चा कर रहे होंगे आपस में, क्या परिणाम आता है देखते हैं। पर आज शिवानंद आश्रम में जो बैठक है, कौन कौन सम्मिलित होने वाला है? हाँ, वो परमात्मानंद जी महाराज बताएंगे, आप उनको वीडियो ले लो। बाकी सारी कंट्री, ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब लोग आज कुछ न कुछ होना चाहिए, मगर बांग्लादेश में कहीं ये नहीं। इस मामले को, इस संबंध में कोई भी पक्ष नहीं ले सकता है। जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और जो स्थिति वहां पैदा की है, लोगों को फांसी लगा रहे हैं, झोपड़ी में से निकाल निकाल करके मृत्यु दंड दे रहे हैं, ये ऐसा अधिकार तो उन्हें नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो आपकी समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के जो भी उपाय हैं, उन उपाय में यह उपाय तो सबसे ही अधिक खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व को एक साथ होकर के आवाज उठानी चाहिए
मानवता की धर्मा के मानवता की रक्षा के लिए, तो मानव धर्म तो यही है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो मानव धर्म को तो मानते हो, तो मानव धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा? वो भी धर्म से ही होगा। आपका जो धर्म है, तो जो मारकाट कर रहे हैं और जिनकी मारकाट कर रहे हैं दोनों ही धर्मावलंबी हैं, तो क्या उनके धर्म में ऐसा आदेश दिया गया है? इन सब विषयों पर चिंतन नहीं होता है, इसलिए हमारे अज्ञान के कारण और अल्प वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसे कदम लोग उठाते हैं। इसमें हजारों लोगों के प्राणों की आहुति हो रही है, ये रोकना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। हम लोग कभी इसका पक्ष नहीं ले सकते हैं। खास करके गौ माता को लेकर राष्ट्र माता, गो माता राष्ट्र माता होगी तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले रहे हैं ना अपने लोग, तो जब तक गो माता की रक्षा नहीं होगी तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे सिद्ध कर पाएंगे हम? विश्व बंधुत्व हम में कैसे आएगा? सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए तो गो माता है। हिंदू होने का पहला लक्षण है गाय की रक्षा करना। गोचु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातयः। जो गो माता की रक्षा करता है, जो गोपालन करता है, जिसकी गो माता में निष्ठा है, गो माता में जिसकी श्रद्धा है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, जिसका मूल मंत्र ओंकार, जिसका मूल मंत्र है, और माता पिता की सेवा जो देवता मान करके करता है, सबई हिंदू ऋतिस्मृतः। वेद शास्त्रोक्त धर्मेशु वेदादिक्ताधिकारवान। वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है, धर्म पालन करता है, स्वधर्म पालन करता है, उसे हिंदू कहते हैं। तो गौ माता की रक्षा पहले होना चाहिए जी। और कब है, क्या है? स्वामी जी, श्रावण के महीने में नॉनवेज की दुकानें बंद होनी चाहिए, इसे सनातन धर्म में लोग मांग कर रहे हैं, आपने भी आपके प्रवचन में बोला है, कैसे देखते हैं आप बात? अरे श्रावण मास में नहीं, हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मांस खाना अच्छा मनुष्य का लक्षण थोड़ी ना है। हिंसक पशु छोटे पशुओं का मांस खाते हैं। मनुष्य के लिए दाल चावल है ना, आटा रोटी है ना, शाकाहारी भोजन है। हम इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे, ये बहुत पुरानी मांग है हम लोगों की। इसलिए जब पूरी नहीं होती है तो कहते हैं कि तीर्थ स्थानों में कम से कम श्रावण मास में महादेव के मंदिरों के पास, द्वारकाधीश मंदिरों के पास, चारों धाम में, ज्योतिर्लिंग में, जहाँ तीर्थ स्थान है, वहां से 5 किलोमीटर तक मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए। ये पुरानी मांग है हमारी, इसको परिसंख्या विधि कहते हैं। परिसंख्या विधि है। चलो।